जय हिंद दोस्तों। और हमारे बीच आज योग का जो कार्यक्रम हुआ आप जो वीडियो के माध्यम से देखेंगे उनका जो सफल पूर्वक जिन्होंने आज अपने क्या होता है ना, आप जब रनिंग करते हैं यहाँ का जो मसल्स क्या होता है, चाहना जब वर्कआउट नहीं करते रनिंग करते तो हमारा मसल्स क्या होता है खिंचा जाता है, इस चीज को आप फ्री कर सकते हैं। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज हमारे यहाँ कमांडो डिफेंस एकेडमी में आज हम लोगों ने हर सप्ताह योगा का शेड्यूल डाला हुआ अपने शेड्यूल पे, जो कि स्पोर्ट्स और योगा दोनों ही एक स्पोर्ट्स माइंड के लिए, एक रनिंग करने वाले धावक के लिए ज़रूरी होता है। तो आज आपको दिखाएंगे हम पूरे वीडियो के माध्यम से कि योग कितने फ़ायदेमंद है हमारे लिए और कौन कौन सा आसन ये होगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो आप जरूर वीडियो पूरा देखें, अंत तक देखें और जो चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो को शेयर करें। अगर एकेडमी ज्वाइन करना है तो आप हमारे नंबर वीडियो पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा नंबर, आप नंबर कॉल करें, हमसे बात करें और एकेडमी ज्वाइन करें। चलते और कुछ बताते हैं आपको जो कि कैसे ये आसन करना है और क्या क्या बेनिफिट है वो आप देख सकते हैं बच्चों को, तो हमारे एकेडमी के बच्चे को आप देख सकते हैं। जो पैर पहले पीछे था उसको आगे दिखाएंगे। ये आपका सूर्य नमस्कार है जो कि बच्चे को हाइट ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी है। ये आप तो आप लोग ध्यान देंगे, सूर्य नमस्कार बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है, इससे आपको बेनिफिट है, हाइट ग्रोथ में बेनिफिट है, मसल्स पे बेनिफिट है। तो आप रेगुलर आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं जो आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। तो ये जो योग होता है वो जीवन में बीमारी और बहुत सारी आपके शरीर में जो प्रॉब्लम है उसको दूर करता है। योगी ऐसा माध्यम है जो आपको जब तक इस जीवन में है, जब तक इस दुनिया में है तब तक आप योग करना चाहिए ताकि शरीर है वो तंदुरुस्त और मजबूत रहे। चलेंगे वीडियो को माध्यम से देखेंगे बच्चे लोग का क्या हो रहा है। जितनी आप लगातार नमस्कार करोगे ना जितना आप पैदे से कदम दौड़ोगे। वह पांच
नेक्स्ट डन। हाथ दोनों इस तरह से रखे उल्टा, ये हमारी पांच बार, ये हुआ। अब दूसरा इधर में क्या करना है, दोनों पैर आगे लेके जाएंगे, ये देखे ना भैया जी, तुमको लग रहा है कि हम ठीक कर रहे हैं? हमको ठीक लग रहा है। हाँ तो ठीक लग रहा है, ठीक कर रहे हो। का हाइट ग्रोथ करेगा भाई। बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बहुमूल्य समय देकर आज इस कार्यक्रम को आगे तक लेके आए, उनसे हम जानकारी लेंगे और ये जो आप देख रहे वो योग में अपने जो भी डिग्री लिए हुए हैं उनके माध्यम से उनके बारे जानकारी लेंगे कि कैसे योग को आगे करें। और जो YouTube पे देख रहे बच्चे जरूर फॉलो करें योग को। तो हमारे बीच है संतोषी जी जो कि योग से हमेशा जुड़े हुए हैं, तो उनसे चाहेंगे कि जो बच्चे हमें फॉलो करें YouTube पे उनको बताए कि योग कैसे अपने माता पिता को अग्रसर करें जो घर पे गांव में काम करते हैं, महिलाएं कमर में दर्द है, तो कुछ बताएं उनको। जी नमस्कार आप सभी श्रोताओं को, मैं संतोषी कुमारी अभी असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ योगा रांची यूनिवर्सिटी में कार्यरत हूँ। मैंने अपना जो योग का शिक्षा दीक्षा लिया है जवाहर नवोदय विद्यालय से लिया, और मैं भी बहुत छोटे से गाँव से बिलोंग करती हूँ, गुमला डिस्ट्रिक्ट से। और योग बहुत प्रचलित नहीं था, लेकिन आने वाले दिनों में योग की महत्ता इतनी बढ़ गई है कि ये विश्व पे, और आए दिन जितने भी योगाभ्यास या योगा कॉम्पिटिशन होते हैं उनमें प्रेफरेंस मिल रहा है। और अभी जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने योगाभ्यास को नेशनल लेवल तक और ओलंपिक तक ले जाने का एक बीड़ा उठाया है, तो आने वाले दिनों में लोगों को रोजगार भी इससे मिलेंगे। आए दिन स्कूल पे या फिर हॉस्पिटल्स पे इसका बहुत डिमांड बढ़ते जा रहा है। तो अभी जो युवा है जो योगाभ्यास कर रहे हैं लगातार या फिर किसी भी तरीके से शारीरिक रूप से अपने जुड़ाव रखे हैं, उनके लिए यह बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत सुनहरा अवसर है इस क्षेत्र में आगे जाने का, कि उन लोग या तो शिक्षा के क्षेत्र में या फिर हॉस्पिटल्स में या फिर बच्चों को योग शिक्षा या फिर महिलाओं के लिए ये बहुत ही एक बहुत अच्छा अवसर है रोजगार प्रदान करने का, क्योंकि ये रोजगार आप अपने घरों पे भी शुरू कर सकते हैं। घरों पे अपना एक छोटा सा स्टूडियो खोल लिए योगाभ्यास के लिए, महिलाएं वहाँ पे आ रही हैं, क्योंकि महिलाएं सारे लोग एक साथ जुड़ती हैं, तो उनका जो एक साथ मिलना और एक साथ योगाभ्यास करना इससे हर तरीके का अभ्यास हो जाता है। तो योगाभ्यास कहीं ना कहीं हमारे जीवन शैली में लगातार जुड़ती जा रही है और लोगों को हर एक तरीके से स्वस्थ कर रही है। तो आप सभी से आग्रह होगा कि आप लोग योगाभ्यास को अपने जीवन शैली में अपनाएं और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच प्रहलाद जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि आज के जो योगा का जो संचालक, जानेंगे कि जो फौज की तैयारी करते हुए बच्चों का बहुत सा प्रॉब्लम होता है नस में, जो कि पैर के, जिसको बोलते हैं वेस्कुलर वैन, तो उनके बारे में हम लोग बात करेंगे इनसे कि वेस्कुलर वैन को योगा के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। तो आइए हम लोग प्रहलाद जी से मिलते हैं और उनसे जानेंगे कि योगा में कैसे आगे बढ़े और अपने आप को तंदुरुस्त कैसे रखें। नमस्कार सभी को, मैं योगा चार्य प्रहलाद भगत। जैसे कि अभी बोल रहे हैं कि मस्कुलर पेन को कैसे हम लोग ठीक करें योग के मध्य, योग में बहुत सारे आसन हैं, बहुत सारे प्राणायाम और मुद्राएं हैं जिसकी तरफ से हम लोग इस नसों को, अपने नस नाड़ियों को स्वस्थ कर सकते हैं, है ना। मस्कुलर पेन के लिए आप त्रिदेवता आसन कर सकते हैं, बैक ट्विस्टिंग कर सकते हैं, जैसे हम लोग इस तरह से जाते हैं तो क्या होता है, मैं जो नसें जो है ना खिंचाव रहती है, उस पर रिलैक्स बनाता है। साथ ही साथ जब हम लोग उष्टासन करते हैं तो उसमें भी हमारी मसल जो बैक मसल्स होती है वो क्लियर हो, जैसे हम लोग थोड़ी देर पहले उष्टासन किए। साथ ही साथ आप टीटा भुजंगासन है या जितने भी भुजंगासन के वेरिएशन है, वज्रासन के वेरिएशन है, वज्रासन बहुत सारे अलग अलग आसन आते हैं, उन सारी आसन को हम लोग करते हैं तो आपके जो नसल्स, नस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स वो सही हो सकती है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है बच्चों को कि हमारा स्टेमिना कैसे बिल्ड हो। हर योद्धा जो धावक होते हैं, जो आर्मी की तैयारी करते हैं, सेना की तैयारी करते हैं, उसको सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि मुझे जो 200 लोग दौड़ाएगा उसमें उस 10 कैसे निकालना है, अक्सर यही होता है। तो वो 10 निकालना है तो आपके अंदर एक स्टेमिना आना चाहिए, गट्स होना चाहिए। गट्स और स्टेमिना कहाँ से आएगा, आप योग के माध्यम से उसको बिल्ड कर सकते हैं। अधिक तेज दौड़ने के लिए आपको अपने श्वास के जो पंपों की फुसफुसा जो होता है हमारे फेफड़े में, उसको ज़्यादा स्ट्रोक लगाने के लिए आप प्राणायाम की ओर बढ़ सकते हैं। प्राणायाम में आप क्या कर सकते हैं, कपालभाति है, भस्त्रिका है, अनुलोम विलोम, इन सब प्राणायाम को करके आप अपने अंदर स्टेमिना बिल्ड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपके क्या होगा, आपको मनोबल बढ़ेगा और आपको उस कार्य में करने की क्षमता बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रहलाद जी। और जो बच्चे मुझे फॉलो करें उनके कहना चाहूँगा कि आप रनिंग तो कर रहे हैं, दौड़ तो रहे, लेकिन साथ में आप सप्ते में 2 दिन का आप योगा का सेशन रखें खुद पे। और योगा के लिए आप वीडियो फॉलो कर सकते हैं, हमारे जो अब योगा का आसन दिखाया गया आप उसे फॉलो करें और जो भी प्रक्रिया है वो पूरा करें और प्यार बनाए रखें इस तरह से। और देश में हमेशा हम लोग अवसर रहेंगे और देश को जरूर आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। लंबी गहरी सांस अंदर, सुप्रभात, आपका दिन शुभ हो, ऐसी कामना करते हुए आज के सत्य प्रतिज्ञा।